दोस्तों ये है एसर का लेटेस्ट रिलीज वी सीरीज क्यू एलईडी पैनल के साथ आने वाला 32 इंच का टीवी जो कि मार्केट में कहर ढहाने वाला है। इस टीवी की करेंगे हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। दोस्तों फर्स्ट स्टार्टर्स आपको बता दूं, 30 वॉट के स्पीकर्स इसमें दिए गए हैं, 1.5 GB की रैम है, 16 GB की स्टोरेज है, गूगल टीवी पर ये काम करता है, क्वांटम डॉट की लेयर लगी हुई है, बहुत ही बढ़िया मेटेलिक डिजाइन है, सभी तरह के पोर्ट्स मिल जाते हैं, बहुत ही बढ़िया रिमोट मिल जाता है जिसमें बहुत सारी हॉटकीज भी मिल जाती है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की के साथ में। बहुत सारे फीचर्स हो गए, बहुत सारे स्पेसिफिकेशन हो गए इस टीवी का, हम इसमें रिव्यू करने वाले हैं एंड बिलीव मी ये सारे फीचर्स सच हैं एंड दिस टीवी टर्न्स आउट टू बी अमेजिंग। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। इसके हम अनबॉक्सिंग करेंगे, थोड़ा बहुत आपको पिक्चर क्वालिटी के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, ऑडियो क्वालिटी के बारे में बताएंगे, सब चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगा। 2 साल की वारंटी भी आती है बाय द वे इसमें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, थ्रेड्स, व्हाट्सएप या फिर कमेंट सेक्शन, आप जहां भी मुझे रीच आउट करना चाहें कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आपके सवाल का जवाब 24 घंटे में दिया जाएगा अगर आप व्हाट्सएप पर मेरे से पूछते हैं तो। वैसे अगर ये आपको टीवी खरीदना हो या फिर इसके 43 इंच, 50 इंच, 65 इंच के मॉडल्स भी खरीदनी हो तो यहां पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैं आपको वारंटी के बारे में बता दूं, 2 साल की इसमें आपको वारंटी मिलेगी बट यू कैन एक्सटेंड दैट वारंटी अप टू 5 ईयर्स बाय यूजिंग गो वारंटी। एक्चुअली 3 साल की और एक्स्ट्रा हो जाएगी तो 2+3=5, 5 साल तक अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है यू जस्ट हैव टू कॉल गो वारंटी एंड गो वारंटी विल फिक्स योर डिवाइस बाय कमिंग टू योर होम एंड फ्री सर्विस रहेगी, जेन्युइन पार्ट्स यूज रहेंगे एंड कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। एंड अगर आपका टीवी ठीक नहीं होता है यू विल गेट अ फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट, यू जस्ट हैव टू मेक अ कॉल टू देम। एंड ये सिर्फ टीवी की नहीं, ये मोबाइल फोन्स, किचन अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस सभी चीज़ों की वारंटी को एक्सटेंड करके देते हैं। यू कैन चेक आउट गो वारंटी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और उनका नंबर भी दे रहा हूँ, आप उनको कॉल करके बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहें। इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। प्लीज़ इसे 100-200 रुपये वाली सस्ती वारंटी मत समझना, ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास वारंटी है जो कि आफ्टर सेल सर्विस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। फटाफट से इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इनिशियल सेटअप, यूजर इंटरफेस, पोर्ट्स, रिमोट, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, डिज़ाइन, सब चीज़ के बारे में आपको एक साथ बता देता हूँ। इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको मिल जाते हैं 2 स्टैंड, एक यूज़र मैनुअल, एक वारंटी कार्ड, एक मिनी एवी टू आरसीए केबल, चूंकि इस टीवी में आपको आरसीए पोर्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं तो अगर आपको चैनल डेफिनेशन का सेटअप बॉक्स कनेक्ट करना है तो इस केबल, इस कन्वर्टर के जरिए ही आप कनेक्ट कर पाएंगे। स्टैंड को कनेक्ट करने के लिए कुछ स्क्रूज, 2 AAA की बैटरीज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिमोट, जिसमें आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की हॉटकीज भी देखने को मिल जाती हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा रिमोट दिया है जिसमें हॉटस्टार चारों मेन जो ऐप्स हैं उनकी हॉटकीज देख रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको डीपैड मिल जाता है, माइक बटन, यूज़र बटन, सेटिंग्स, म्यूट, पावर, होम, टीवी इनपुट, सारे बटन्स मिल जाते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक गूगल टीवी के रिमोट से। आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है रिमोट को यूज़ करने में या फिर रिमोट की फंक्शनैलिटी में कोई कमी नहीं आने वाली है। फील भी अच्छा है रिमोट का एंड हैंडलिंग भी बहुत सही है, बिल्कुल स्ट्रेट रिमोट है एंड इट्स अ ब्लूटूथ रिमोट, इन दिस प्राइस बहुत सही रहेगा। पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको एक मिल जाता है हेडफोन जैक, उसके नीचे आपको एक मिनी एवीएन मिल जाता है जिसमें आप एक केबल लगाएंगे, जो केबल आपको बॉक्स के साथ ही मिलती है और फिर इस केबल के जरिए आप अपने स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेटअप बॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आते हैं तो आपको मिलते हैं 2 HDMI के पोर्ट, 1 HDMI एंड 2 HDMI। उसके ऊपर आपको एक एंटीना का पोर्ट मिल जाता है जो कि काम आएगा अगर आप डायरेक्ट एंटीना केबल लगाना चाह रहे हैं, जो पुराने ज़माने होते हैं ना दूरदर्शन वाले चैनल लगाने के लिए। एक कोएक्सियल आउट भी मिलता है ऑडियो आउटपुट पोर्ट के लिए। थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो आपको मिलेगा एक लैन पोर्ट और 2 USB 2.0 के पोर्ट जो कि आपने USB ड्राइव, SSD, हार्ड ड्राइव्स कनेक्ट करने के काम आ जाएंगे। लेट्स हैव सम पेल्स।
पील्स हो चुकी हैं, लेट्स टर्न इट ऑन एंड सेटअप करते हैं इसका। गूगल टीवी है ये, जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, वैसे एंड्रॉयड टीवी भी कह सकते हो आप इसको। सबसे बेहतर चीज़ इसमें जो है वो है 16 GB की स्टोरेज और 1.5 GB की रैम, उसके साथ साथ 30 W के स्पीकर्स जो कि डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करेंगे। उसके साथ साथ इसमें क्यूलेड का पैनल है, जो कि क्वांटम डॉट की लेयर होती है, वो एलईडी पैनल के आगे लगा दी जाती है, और वो भी सुपर ब्राइटनेस के साथ में। उसके साथ भी 2 साल की वारंटी है और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, जान लोगे क्या? सब कुछ तो दे दिया और क्या चाहिए आपको। रिमोट कनेक्ट करना होता है जब भी आप टीवी सेटअप करोगे, एसर लिखा आया था अभी। रिमोट कनेक्ट करने के बाद आपको 2 चीज़ें करनी होती हैं। गूगल टीवी सेटअप बहुत इजी हो जाती है, फ़ोन से करना होता है। आपको अपने फ़ोन में गूगल होम का ऐप इंस्टॉल करना है एंड सिंपली वहाँ से QR कोड को स्कैन करके सेटअप करना है। 2 चीज़ कनेक्ट करनी होती हैं, एक तो ईमेल आईडी एंड योर वाईफाई, एंड योर टीवी विल बी सेटअप इन लेस देन 10 मिनट्स आई थिंक। इंग्लिश इंडिया इंडिया सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इसमें सेटअप गूगल टीवी सेलेक्ट करेंगे एंड ये QR कोड स्कैन करके जो भी मैंने आपको बताया वो सब करके नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो सब ऐप्स में लॉगिन करके आपसे मिलते हैं डायरेक्टली होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों एसर गूगल टीवी यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है, एसर क्यूलेट गूगल टीवी कहना चाहूँगा, बिकॉज 32 इंच में क्यूलेट आजकल बहुत कम ब्रांड्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि अभी इन्फिनिक्स की अनबॉक्सिंग जो मैंने 2 दिन में पहले करी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। गूगल टीवी के इंटरफेस के साथ ये टीवी आती है, ऑब्वियसली ऊपर आपको टैब मिल रहे हैं फॉर यू मूवीज शोज एप्स एंड लाइब्रेरी। गूगल टीवी का मेन इंटेंशन बिहाइंड लॉन्चिंग गूगल टीवी वाज दिस कि सारा कंटेंट जो है एप्स के अंदर वो बाहर ही निकाल के आपको शो किया जाए। जैसे यूट्यूब पे यूसिनेमा चैनल पे कुछ हाइलाइट्स हैं मैच की, वो होम स्क्रीन पर दिख रही हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 मूवी रिलीज हुई है, वो आपको होम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। परेशान सोनी लिप पे कुछ जस्ट अराइव है तो वो आपको होम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। Z5 पे तरला आया है कोई मूवी आई थिंक, तो वो आपको होम स्क्रीन पर दिखा रही है। तो सो यू डोंट हैव टू गो इन टू एन ऐप एंड सर्च फॉर द कंटेंट। ये आपकी वॉच लिस्ट या फिर आप जो भी आप कंटेंट देखते हो उसमें जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाहर ही आ जाती हैं। जैसे कि ड्रामा में हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो आपको बाहर ही दिख रहा है। यूट्यूब पे आपके सब्सक्राइब चैनल्स ने क्या अभी लेटेस्ट अपलोड किया है वो भी आपको होम स्क्रीन पर दिख जाएगा। सिंस दिस गूगल टीवी हैज़ 1.5 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज, इट इज़ गोइंग सो स्मूथ। अभी तक एक सिंगल हिकअप इस टीवी में मिला नहीं है। आई थिंक 32 इंच की किसी भी एंड्रॉयड टीवी में आज तक जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, गूगल टीवी या एंड्रॉयड टीवी बात कर रहा हूँ, वो इस टीवी में मिला है बेस्ट। इससे बेहतर एक्सपीरियंस आज तक मैंने किसी भी एंड्रॉयड टीवी में नहीं देखा, चाहे वो OnePlus 7S हो या फिर वो कोई और टीवी हो किसी भी ब्रांड का। दिस इज़ द बेस्ट इन द यूज़र इंटरफेस डिपार्टमेंट अब तक। सेटिंग्स में जाके आप थोड़ी बहुत और चीज़ों को देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हो। पिक्चर सेटिंग्स वाईफाई 5 GHz का ये सपोर्ट करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। USB मैंने कनेक्ट किया तो उसमें USB आ गया। किड्स प्रोफाइल भी आप सेट कर सकते हो, इसके साथ साथ इसमें डेटा सेवर वगैरह के ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं गूगल टीवी के साथ। अभी हम इसका पिक्चर क्वालिटी टेस्ट करना चाह रहे हैं। मैंने इसमें USB ड्राइव लगाया है बट उसमें मीडिया प्लेयर भी बिल्ट इन आता है, कोई ब्लॉटवेयर ज़्यादा खास चल नहीं आए, जैसे कि नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो हॉटस्टार प्राइम वीडियो ये सब तो मैंने सेलेक्ट किए थे जब इसमें ऑप्शन आया था। इसके साथ सी ऑल भी देखोगे तो आप ऐसा कुछ खास ब्लॉटवेयर्स भी इसमें आपको इंस्टॉल्ड पहले से नहीं मिलते हैं। कुछ नेट स्पीड वर्ड क्लॉक ये तो खैर ठीक है, कोई ऐसा कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं है। फास्ट कास्ट से आप कास्टिंग कर सकते हो, वैसे क्रोमकास्ट बिल्ट इन भी आपको इसमें मिल जाता है। फास्ट कास्ट का मतलब ये होता है कि बिना इंटरनेट के आप कास्टिंग कर पाओगे कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे कि लैपटॉप की स्क्रीन्स को, मोबाइल्स को। इसमें आप देख रहे होंगे आईफोन्स की स्क्रीन को भी कास्ट कर सकते हो, गेट लोकल मीडिया को भी कास्ट कर सकते हो, QR कोड के जरिए कास्ट करना है, विंडोज़ PC को करना है या फिर हॉटस्पॉट बनाकर कास्ट करना है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। फटाफट से हम इसमें टीवी मैनेजर भी मिल जाता है इसमें, जैसे कि कितनी रैम है, कितनी रैम फ्री करनी है, अगर आपका बहुत ज़्यादा मेमोरी बूस्ट करना है, क्लीनर करना है, वो सारे इंस्टॉल ऐप्स करने हैं, यहीं से आप कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की गई है, साफ साफ दिख रहा है आपको। इसमें मीडिया प्लेयर खोलते हैं और पिक्चर क्वालिटी का इसका टेस्ट करते हैं। दोस्तों आई एम कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली इन्फिनिक्स के क्यूलेट टीवी से, और मैंने इसकी पिक्चर क्वालिटी को छेड़ा भी नहीं है, जो आउट ऑफ द बॉक्स आई थी, स्टैंडर्ड आई है कि एनर्जी सेविंग आई है, आई डोंट नो, लेट्स चेक इट आउट। और ताकि आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया दे पाएँ कि पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट जो हो रहा है वो किस पिक्चर मोड पर हो रहा है। अभी ये नॉर्मल मोड है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मे बी लेट्स सेट इट टू डायनेमिक। तो बेस्ट टीवी की जो रिजोल्यूशन है या फिर बेस्ट टीवी की जो सेटिंग्स है वो आ जाएँ। ब्लैक लेवल्स इसमें भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, जैसे कि क्यूलेट टीवी इसमें दिखते हैं, मैं मानता हूँ OLED वाले नहीं दिखते लेकिन काफ़ी अच्छे दिखते हैं, और जो इन्फिनिक्स में दिख रहा था क्यूलेट में वो इससे
लगभग बेहतर ही दिख रहा है या बराबर दिख रहा है, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बेकार है। एंड कलर्स जो चीज़ है क्वांटम डॉट क्लियर होने वजह से थोड़े से ज़्यादा रिच कलर्स, रिच और वाइब्रेंट कलर्स आपको दिख रहे हैं, वो इसमें दिख रहा है। इस फास्ट मूविंग सीन को आप देखिए एंड बैकग्राउंड के स्काई को देखिए, ब्लू के साथ साथ थोड़ा सा ऑरेंज शेड भी है बिल्डिंग्स के पीछे, एंड यू सी दैट कलर्स, दीज कलर्स वेरी क्लियर एंड इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिख रहा है बिकॉज डार्क लेवल्स अच्छे दिख रहे हैं, उसके साथ साथ ब्राइटनेस भी टीवी की ज़्यादा है तो वो भी अच्छा दिख रहा है। तो एवरीथिंग इज़ टच करके परफेक्ट। 32 इंच के 720p की रेजोल्यूशन में आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा और बेटर जाया जा सकता है। अब इस सीन में आप ब्लैक लेवल्स को आराम से देखिए और मज़े लीजिए बिकॉज बहुत अच्छा दिख रहा है। अब जो आग जहाँ ख़त्म होती है ना उसके आसपास देखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा फैल नहीं रही है लाइट बिकॉज फिक्स उतनी ही दिखाने की कोशिश कर रहा है टीवी। एंड द पैनल इन दिस टीवी इज़ जस्ट ऑसम, चाहे वो लावा का सीन आप देख रहे हो या फिर इसके बाद जो स्किन टोन्स वाले सीन आएंगे, ह्यूमन स्किन टोन्स देख रहे हो। मुझसे अगर कोई कहेगा ना दिस इज़ 1080p, मैं शायद बिलीव कर लूँ। वैसे ये 720p का ही टीवी है बट लुक्स लाइक ए 1080p टीवी, बिलीव मी मैं ऐसा बहुत कम कहता हूँ, बट हाँ इट लुक्स लाइक ए 1080p टीवी बिकॉज शार्पनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन्फिनिक्स क्यूलर टीवी के लिए भी मैं यही चीज़ बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा शार्प दिख रहा है, ब्लैक लेवल्स अच्छे हैं, कलर्स अच्छे हैं, रिच वाइब्रेंट सब कुछ मस्त है, कॉन्ट्रास्ट मस्त है। एंड ये शायद बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा लेकिन उस क्वांटम लेयर की वजह से ना एवरीथिंग इज, जो थोड़ी बहुत पजल के पीसेस रह गए थे ना 720p की टीवीज में, इस क्यूलेड पैनल क्वांटम डॉट की लेयर की वजह से ना वो सारे पजल पीसेस कंप्लीट होते जा रहे हैं। एंड रिजोल्यूशन टीवी का तो उतना ही है लेकिन फिर भी ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होते चले जा रहा है। आई एक्सपेक्ट मोर 32 इंच टीवीज इन क्वांटम डॉट लेयर के साथ में एंड क्यूलेड पैनल के साथ में। लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो क्वालिटी। I believe in your soul. I know we need each other. I know our love is strong. We're still riding down this road. Ooh, my love, I can feel you in my bones. This is real. I hear your voice too close. Oh, this feeling grows while I'm filling up this void. दोस्तों जो चीज मिसिंग थी ना वो इस यहाँ पर लेके आया है। नेटफ्लिक्स में आपको HDR का लोगो दिख रहा होगा, उसके बगल में HD ही दिख रहा होगा, मतलब ये क्वांटम डॉट की लेयर सिर्फ कहने के लिए नहीं है, HD कंटेंट में भी, मतलब सिर्फ और सिर्फ 720p रेडी कंटेंट में भी यू कैन प्ले HDR। कुछ टीवियाँ बोलती हैं कि भैया हमने HDR लगा के दे दिया, लेकिन फ़ायदा क्या उस HDR का अगर आप किसी OTT प्लेटफॉर्म के ऐप पर HD का कंटेंट चला ही ना पाए, बट ऐसा इस टीवी में डेफिनेटली नहीं है। वी आर गोइंग टू प्ले प्लान बी जो कि HDR में है एंड हम इस टीवी की ब्राइटनेस टेस्ट करेंगे, डार्क सीन्स में टेस्ट करेंगे और टोटल देखेंगे कि हाउ इज द पिक्चर क्वालिटी लुक्स इन HDR फॉर्मेट। HD में चल रहा है, HDR में चल रहा है, माय इंटरनेट इज़ परफेक्ट सो डोंट टेंशन मत लेना कि हाँ भैया नहीं चलेगा। लेट्स प्ले सम, सबसे पहले तो कुछ ब्राइट सीन्स चलाते हैं। ओके दिस इज मिक्स सीन, लाइक इंडोर लाइटिंग वाला कोई सीन है एंड इट लुक्स परफेक्ट। कलर्स डेफिनेटली अच्छे निकल के आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट क्वांटम डॉट की लेयर। आई विल टोटली से दैट 32 इंच की टीवी में ना इससे बेहतर पिक्चर क्वालिटी मिलना मेरे हिसाब से तो नामुमकिन सी बात हो गई आजकल, बिकॉज बाकी सारे टीवी लैग कर रहे हैं, क्वांटम डॉट का पैनल ही नहीं उनके पास, HDR सपोर्ट ही नहीं करता नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोज़ के ऐप में, यहाँ पर चल तो रहा है कम से कम। एंड यू आर गेटिंग एन अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी विद अमेजिंग डिटेल्स इन डार्क सीन्स ऑल्सो। यहाँ पर देखिए काफ़ी सही निकल के आ रहा है। मैं तो टोटली अगर मुझे 32 इंच का टीवी चाहिए होगा एंड पिक्चर क्वालिटीज़ में
फर्स्ट कंसर्न, वेल सारी चीज़ें अच्छी हैं, ऑडियो क्वालिटी भी इसमें 30 वॉट के दिए गए हैं। मैंने ज़्यादा बोला नहीं था, अभी बोल रहा हूँ, 30 वॉट के स्पीकर्स इन 32 इंच TV, सबसे पहले तो 20 के ही मिलते हैं, स्टैंडर्ड से ऊपर आ चुके हैं, 10 वॉट ऊपर दे रहे हैं, उसके साथ साथ डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट भी करते हैं, इट साउंड्स अमेजिंग। चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा लाउड जा रहे हैं, तो 80-85 के बाद थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप 50 से ऊपर ज़्यादा ले जाने वाले नहीं हो स्पीकर्स को, 50 की वॉल्यूम पर ही इस टीवी के स्पीकर्स इतने ज़्यादा अच्छे साउंड कर रहे थे, आई डोंट थिंक यू गोना गेट लाउडर देन 50। बेजल्स की बात करें तो देखिए बेजललेस डिज़ाइन के साथ में आती है, बट स्टिल यू सी दैट ब्लैक बेजल जो कॉर्नर में है, ग्लास के नीचे है, उस कॉर्नर बेजल का जो टोटल साइज है दैट्स अराउंड 6 to 7 mm आई थिंक, या फिर कम ही होगा, इससे तो कम ही है। ओवरऑल द टीवी लुक्स ऑसम, साउंड्स ऑसम, एंड यूज़र इंटरेक्शन जो कि यूज़र इंटरफेस के साथ हो रही है रिमोट के जरिए बहुत बढ़िया है। रिमोट, आई लव द रिमोट ऑल्सो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की हॉटकी दी है आपको, नेटफ्लिक्स की हॉटकी दी है, इसके साथ साथ आपको प्राइम वीडियो की हॉटकी भी दे रहे हैं वो लोग, एंड यूट्यूब की हॉटकी तो है ही, तो इट्स जस्ट ऑसम। इस टीवी से बेहतर मिलना बहुत मुश्किल है, और द प्राइस ऑफ दिस टीवी इज़ 13,000 रुपये, आफ्टर ऑल द डिस्काउंट आई थिंक 11,000 के आसपास मिल रही है टीवी, तो उतने प्राइस में तो इट्स जस्ट द बेस्ट, आई थिंक इट्स जस्ट द बेस्ट। बाकी अगर कंपैरिजन देख रहे हैं ना इन्फिनिक्स 32 इंच के साथ में, तो सब्सक्राइब कर लो, एक दो दिन में कंपैरिजन भी आ जाएगा मेरे चैनल पे। गेट बैक टू द कैमरा नाउ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टीवी तो बहुत अच्छी लगी होगी। एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट 32 इंच TV आई हैव एवर रिव्यूड ऑन दिस चैनल। लुकिंग वाइज बेजल लेस डिजाइन, स्टैंड मेटेलिक डिजाइन, पिक्चर क्वालिटी, कलर्स, ब्राइटनेस, OS, गूगल TV, 1.5 GB RAM, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, आप कुछ भी कह लीजिए, बट दिस इज़ द बेस्ट TV आई हैव एवर रिव्यूड। और फॉर डिस्क्लेमर बता दूँ, ये TV मैंने खुद ख़रीदा है, एसर ने मुझे ये TV नहीं भेजा है, ये TV मेरे खुद के पैसों से ख़रीदा गया, तो nobody can buy my opinions। मैं अगर भेजा भी होता तब भी मेरी कोई ओपिनियंस बाय नहीं कर सकता, और रिव्यू सारी ऑर्गेनिक ही रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, वैसे TV तो अच्छा है लेकिन ख़रीदना हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, वहीं से ख़रीदना, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर अगर होगा तो मैं लिंक डाल लूँगा, टेंशन नहीं है, बाकी सारे साइज भी अच्छे ही होने वाले हैं जहाँ तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, थ्रेड्स, वेल ट्विटर चेंज हो गया है, एक्स, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, और आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।